तो अभी देखते हैं आगे और क्या क्या बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं। चलो देखते हैं अभी आगे क्या क्या और दिखते हैं। मुझे ना स्पेशली बोला जाए ना तो भाई बिहार और कोलकाता में बहुत ही खतरनाक बनाया जाता है भाई। गुड मॉर्निंग भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे आज के एक और नए वीडियो में। और अभी हो रहा है भाई सुबह के छः बजे भाई हम लोग निकले हैं आज दशहरा पूजा इंजॉय करने के लिए। बिकॉज शाम को भी कल मैं निकला था भाई, शाम को तो इतनी ज़्यादा रश हो गया था कि बिल्कुल ही घूम नहीं पाया था। तो अभी हम लोग सुबह एकदम निकले हैं भाई। ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है एकदम से ख़तरनाक, एकदम मौसम ठंडी भी लग रही है भाई हल्की हल्की। अभी आप लोग को भी दिखाते हैं भाई पटना का दुर्गा पूजा। पहले बाइक को पार्क करते हैं। यहाँ का जो एक है ना भाई, यहाँ का भाई मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा हर साल लगता है। तो चलो भाई आप लोग को भी दिखाते हैं। बाइक को यहाँ पार्क करते हैं। ये देखो सुबह सुबह भी इतनी भीड़ है, रात को तो भाई एकदम रश था, एकदम बिल्कुल ही घूमने की भी जगह नहीं थी, इतने ज्यादा था। ये देखो गाइस, देख ही सकते हो गाइस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बन रखा है यहाँ पे। बेसिकली ना कृष्ण जी की जो बचपन की जितनी भी लीलाएं हैं ना उसको प्रेजेंट किया गया है। तो देख ही सकते हो ये सारे सीन आप लोग देखे ही होंगे टीवी वगैरह पे, बेसिकली उसी को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे है गाइस हमारे कृष्ण कन्हैया नटखट गोपाल। बेसिकली गाइस यहाँ पर ना कृष्ण जी का पूरा बचपन की लीला को ना प्रेजेंट किया गया है, देख ही सकते हो। चलो बिट्टू बाहर अब चलते हैं, यहाँ का तो देख लिए। चलो गाइस अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं भाई, अब चलते हैं भाई दूसरी जगह पे, दूसरी जगह को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए। साथ में भाई मेरा छोटा वाला भाई भी है तो उसको भी हम लोग ले लिए हैं साथ में, इसको भी घूमना था। तो अब यहाँ से चलते हैं भाई बेली रोड के लिए। बेली रोड में भी बहुत अच्छे अच्छे पंडाल्स लगते हैं, तो चलो बेली रोड में भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया। बिकॉज आज लास्ट डे है ना, तो बस आज ही तक रहेगा, फिर उसके बाद शाम को तो पंडाल वगैरह खुलना भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी वापस अपने घर के साइड से भाई निकल रहे हैं भाई बोरिंग रोड के लिए। गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं भाई बेली रोड। एंड अपने भाई इधर अच्छे अच्छे कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पंडाल्स वगैरह लगाए जाते हैं। ऐसे तो सारे ही अच्छे होते हैं बिकॉज भाई बहुत ही मेहनत से लगती है। हाँ कुछ फेवरेट था, एक जो फेवरेट था तो वो तो मैंने आपको दिखा दिया। वहाँ ना भाई हर साल ना कुछ ना कुछ यूनिकॉर्न से रखा जाता है। तो भाई कृष्ण जी की जो बाल लीलाएँ रहती है वो पूरा वहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। वहाँ पे हर साल कुछ यूनिक ही रहता है। तो अभी देखते हैं आगे और क्या क्या बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या क्या और दिखते हैं। भाई यहाँ पे देखो भाई एक बहुत ही अच्छा सा ना पंडाल मेरे को दिखा है, चलो एक बार आप लोग को भी दिखाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे भी रुका हूँ। ये देखो भाई क्या ही मस्त लग रहा है भाई, चलो आपको पास से दिखाता हूँ चल करके। ये देखो गाइस क्या मस्त लग रहा है भाई, अभी अंदर चल करके देखते हैं। चलो आप लोग को भी माता जी का दर्शन करवाते हैं सुबह सुबह एकदम। ये चेक करो भाई क्या मस्त लग रहा है भाई, देख रहे हो डिटेलिंग चेक करो कितनी ज़्यादा सुंदर बनाई गई है। पंडाल बहुत जबरदस्त बनाया है पंडाल गाइस ना, बहुत एकदम मस्त पंडाल बना है गाइस एकदम से। अभी देखो सब कुछ खुलने भी लगा है, सिस्टम वगैरह डीजे के सिस्टम जितने सब पैकअप हो रहे हैं। तो वापस से देख लो लगा हुआ है साइड साइड, कहाँ पे थर्माकोल लगा हुआ है, थर्माकोल का है।
है जितना भी बना हुआ है सब डिज़ाइन सब थर्माकोल। तो गाइस चलो अभी चलते हैं गाइस, अभी आगे और भी बहुत ही सुंदर सुंदर पंडाल वगैरह हैं। चलो भाई अभी निकालते हैं यहाँ से, अभी तो बहुत पंडाल आगे देखने को मिलेंगे। खतरनाक पंडाल बनाया है, चलो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। देखो भाई क्या मस्त लग रहा है भाई, दुर्गा पूजा ना स्पेशली बोला जाए ना तो भाई बिहार और कोलकाता में बहुत ही खतरनाक बनाया जाता है भाई। तो पास से चलो चलो अभी चलते हैं भाई आगे, आगे और भी बहुत सारे पंडाल हैं, सबको देखेंगे धीरे धीरे सबको एक्सप्लोर कर लेंगे। चलो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं भाई, बहुत ही मस्त बना हुआ है पंडाल। आज मैं फर्स्ट टाइम ना पटना की साइड घूमने आया, वही साइड में आता नहीं था यूजुअली। बैठो बैठो, इस साइड में यूजुअली आता नहीं था भाई, मैं अपने साइड ही घूमता था, दानापुर साइड ही घूमता था, बट आज फर्स्ट टाइम मैं निकल रहा हूँ बिकॉज अब हमारे पास बाइक है तो मैंने सोचा चलो भाई। बहुत ही भाई सुंदर पंडाल बना हुआ था गाइस, बहुत ही मस्त लग रहा था। अभी लाइट्स वगैरह ना सुबह सुबह बंद हो गए हैं, अच्छा टाइप नहीं लग रहा है, लाइट्स वगैरह ऑन रहते ना तो अभी और अच्छा लगता। देखो अभी आगे लाइट्स ऑन है, क्या बोल रहा है? ठंडा हवा चल रहा है। हाँ तो इधर पेड़ पौधा ज़्यादा है ना, इस वजह से इधर मौसम का ठंडा रहता है भाई। बोल रहा है गाइस कि इधर मौसम कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो रखा है, बिकॉज इधर ना पेड़ वगैरह है तो उस वजह से ना और थोड़ी सी मौसम ना एकदम मस्त हो जाता है, इधर ठंडा भाई लगता है। अभी भाई इधर पुलिस वगैरह का भी थोड़ा डर रहता है, शीन रहता है पुलिस वगैरह का भी। चलो आज रिस्क लेके चलते हैं, बिकॉज अभी पुलिस वगैरह भी ऑफ होंगे गाइस, बिकॉज सुबह का टाइम है ना तो रात को तो भाई सबकी नाइट ड्यूटी लगी हुई थी रश के वजह से, तो हो सकता है भाई अभी बंद हो। चलो सुबह सुबह इंजॉय कर लेते हैं।